नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और आप देख रहे हैं एनप्लेक्स बेस्ड नर्सिंग। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में अपन बात करेंगे फ्लैजिल 400 mg टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों ये जो फ्लैजिल 400 mg टेबलेट्स होती है, ये एक प्रकार से एंटीबायोटिक टेबलेट्स होती है, एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। इसमें एक ड्रग सॉल्ट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है मेट्रोनिडाजोल। दोस्तों ये जो फ्लैजिल 400 mg होती है, ये अपने शरीर में तब दी जाती है जब अपने स्टोमक में मतलब पेट में इन्फेक्शन हो गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो। इसके अलावा जो आंत होती है अपने, छोटी आंत, बड़ी आंत, मतलब इंटेस्टाइन बोलते हैं इसको, तो इनमें अगर इन्फेक्शन हो गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इस कंडीशन में, इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बैक्टीरिया को किल करने के लिए फ्लैजिल 400 mg टेबलेट्स यूज में ली जाती है। दोस्तों जो फ्लैजिल 400 mg टेबलेट्स होती है, ये लेने के बाद में जो बैक्टीरिया होते हैं ये इनको किल करने लग जाती है, और धीरे धीरे बैक्टीरिया अपनी संख्या में कम होने लग जाते हैं, और ये जो स्टोमक का, इंटेस्टाइन का, ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। तो इस प्रकार ये अपने शरीर में काम करती है। इसके अलावा दोस्तों ये जो फ्लैजिल 400 mg टेबलेट्स होती है, ये अपने ब्रेन के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को और लंग्स के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को और हार्ट के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए काम करती है। कभी कभी क्या है कि पेशेंट ज़्यादा डोज में ले लेता है फ्लैजिल 400 mg को, कि एक टेबलेट की जगह दो टेबलेट ले लेना, तो उस कंडीशन में ये जो दवा होती है ये साइड इफेक्ट कोज करने लग जाती है, उनके शरीर में दुष्प्रभाव शो करने लग जाती है। तो इसके दुष्प्रभाव कुछ इस तरह आते हैं, जैसे इसको लेने के बाद में माउथ में मेटेलिक टेस्ट आना, मतलब एक प्रकार से मेटल का टेस्ट आना माउथ में, और इसके अलावा मुंह सूखा सूखा रहना, ड्राई हो जाना, या फिर जी मचलाना, उल्टी आना, सर में दर्द होना, ये कुछ इसके दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जिसके पहले से लीवर प्रॉब्लम्स चल रही हो, या फिर किडनी में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो, या फिर कोई लेडीज हो जो प्रेग्नेंट स्टेज में हो, लैक्टेटिंग स्टेज में हो, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में यूज़ में लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए। दोस्तों कुछ पेशेंट्स में ये शिकायत देखी जाती है कि वो फ्लैजिल 400 mg टेबलेट्स को यूज़ में लेते हैं, और लेते ही उनके शरीर में पूरे शरीर लाल हो जाता है, पूरा शरीर रेड हो जाता है, साथ में खुजली चलने लगती है, नाक से म्यूकस का फ्लो होने लगता है, आंखों से पानी बहने लगता है, और बार बार स्नीजिंग, छींकें आने लग जाती है। तो हो सकता है उस कंडीशन में ये जो फ्लैजिल 400 mg है ये उनके शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर रही हो, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स राइज हो रहे हैं। तो दोस्तों उस कंडीशन में उस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर देनी चाहिए, आगे कंटिन्यू ना रखनी चाहिए, और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करना चाहिए। दोस्तों वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दवा को हमेशा डॉक्टर के परामर्श के ही काम में लें। थैंक यू।